एपिसोड 5 में हम 1980s वाले सिटकम्स की दुनिया को देखते हैं। वांडा और विजन अपने न्यूबॉर्न ट्वींस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि तभी इनके रोने की आवाज सुनकर वहां अंटी एग्नेस आ गई। किसी वजह से विजन एग्नेस को उनके ट्वींस को हाथ लगाने नहीं देता। ये देखकर एग्नेस डर के मारे वांडा से वो सीन रिपीट करने की परमिशन मांगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शॉट के खराब होने के बाद उसका रिटेक लिया जाता है। अगेन इंडिकेटिंग कि वेस्टव्यू में रहने वाले सारे लोग वांडा के कंट्रोल में हैं। ये सारा सीन विजन को काफी अजीब लगा, बट तभी इनके बच्चे अचानक से बड़े हो गए और सबका ध्यान मेन टॉपिक से भटक गया। सरप्राइजिंगली एग्नेस इस चेंज को बिना किसी प्रॉब्लम के हैंडल कर रही है। इस सारे सीन में टाइगर और टाइग्रेस का रेफरेंस अभी तक मेरे समझ नहीं आया। बाहर असली दुनिया में मोनिका सॉर्ड के एजेंट्स को अपना वेस्टव्यू वाला एक्सपीरियंस बता रही थी कि कैसे वेस्टव्यू में रहने वाले सारे लोग कॉन्स्टेंटली वांडा के कंट्रोल में दर्द भरी जिंदगी जी रहे हैं। जब ये वांडा के कंट्रोल में थी तब उसने एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीफ फील किया था, इंडिकेटिंग कि वांडा ये सब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कर रही है। फिर एक्टिंग डायरेक्टर टाइलर मीटिंग बुलवाकर सबको दिखाते हैं कि वांडा ने कैसे सोकोविया अकॉर्ड्स और विजन के पर्सनल विल को तोड़कर टॉप सीक्रेट लोकेशन से विजन की डेड बॉडी चुरा ली। तो क्या वाकई में वांडा विजन की डेड बॉडी को अपना पपेट बनाकर वेस्टव्यू में रह रही है, या फिर उसने सही मानों में उसे जिंदा कर दिया? बट वांडा ने माइंडस्टोन को कैसे रिक्रिएट किया? इस बार भी इनके और हम ऑडियंस के सवाल एक जैसे हैं। इधर एक बार नोटिस की, जिमी और मोनिका के दिल में वांडा के लिए फुल सपोर्ट है, बट टाइलर उसे टेररिस्ट मानता है। जिस अंदाज में इसने टेररिस्ट वर्ड बोला, लग रहा है कि क्रिएटर्स दिखाना चाहते हैं कि शायद टाइलर ही खुद एक टेररिस्ट हो। मोनिका के फाइनली समझ में आ गया कि वांडा रियलिटी अल्टरिंग पावर्स की मदद से वेस्टव्यू में चीजों को बदल रही है। वांडा ने मोनिका रैम्बो के बुलेट प्रूफ वेस्ट को 70s के आउटफिट में बदल दिया था। कपड़ों की फोरेंसिक जांच करने पर इनका शक सही साबित हुआ। ओह बाय द वे, डॉक्टर डार्सी ने वांडा की रियलिटी को नया नाम भी दे दिया, हेक्स, उन हेक्सागोनल शेप्स की वजह से। यस, ये वांडा के कॉमिक बुक्स वाले हेक्स पावर्स का रेफरेंस था, रियलिटी एंड प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेटिंग हेक्स पावर्स। इससे एक बात तो साबित हो गई कि अगर इन्होंने वांडा की रियलिटी में इनकी दुनिया से कोई चीज भेजने की कोशिश की तो वांडा का हेक्स मैजिक उसे बदलकर 80s वाले टाइम पीरियड का हिस्सा बना देगा, क्योंकि करंटली अंदर 80 का दौर चला है। अगर इन्हें अंदर कुछ सही सलामत भेजना है तो 80 के दशक वाली टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा फोर्सफुली अंदर घुसने का एक और तरीका होगा कि वांडा के शील्ड को तोड़ने वाला कस्टम मेड हाई टेक टैंक बनाया जाए। लकीली मोनिका एक ऐसे एरोस्पेस इंजीनियर को जानती है जो इस मामले में इनके काम आ सकता है। मोनिका वांडा की बहुत बड़ी फैन है, उसे तो ये भी लगता था कि वांडा अकेली थैनोस को हरा सकती थी, बट सरप्राइजिंगली जैसे ही जिमी ने यहाँ कैप्टन मार्वल का नाम लिया, मोनिका के चेहरे पर 12 बज गए और उसने फटाक से टॉपिक चेंज कर दिया। मोनिका अचानक कैप्टन मार्वल से नफरत करने कैसे लग गई? क्या वो कैप्टन मार्वल को अपनी मम्मी की मौत का जिम्मेदार मानती है? उधर वेस्टव्यू में वांडा के बच्चों को एक पपी मिल गया और हर बार की तरह एग्नेस डॉग हाउस लेकर इनकी मदद के लिए हाजिर हुई। विजन फिर से ये सोचकर हैरान है कि हमेशा एग्नेस सही समय पर सही चीज लेकर कैसे आ जाती है। वांडा विजन का मानना था कि डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने इनके बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं, इसीलिए वो उन्हें समझाते हैं कि उन्हें पेट रखने की परमिशन 10 साल की उम्र होने पर मिल जाएगी। और भाई ये सुनते ही वांडा के ट्विंस अपनी उम्र बढ़ाकर 10 साल के हो गए। शुरुआत में भी एक सीन में हमने देखा था कि वांडा के बच्चों पर उसका मैजिक काम नहीं करता, ये दोनों तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। 10 साल का होते ही वादे के मुताबिक इन्हें पपी पालने की परमिशन मिल गई। एग्नेस पपी के लिए स्पार्की नाम सजेस्ट करती है, अनदर कॉमिक बुक रेफरेंस। ग्रिम रीपर वाली स्टोरी लाइन में स्पार्की विजन के पेट डॉग का नाम था। बच्चे एग्नेस की आंखों के सामने फटाफट बढ़ते जा रहे हैं और इसने उफ तक नहीं किया। लगता है वांडा ने रियलिटी को प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया। विजन को जो समझना है समझ ले, अब बस हुआ। फिर मोनिका, डार्सी और जिमी ने वांडा के पावर्स में एक लूप होल को ढूंढ लिया। जैसे ये लोग वेस्टव्यू के अंदर रेडियो सिग्नल्स भेज सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही 80s वाले दशक में ये ईमेल्स भी भेज सकते हैं। फिर ये लोग विजन के ऑफिस में मौजूद सारे कंप्यूटर्स पर ईमेल भेजकर विजन तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। बाकी सबने बड़े ही क्रीपी अंदाज में एक साथ मेल को पढ़कर उसे सिटकॉम वाले जोक में बदल दिया, बट डॉक्टर डार्सी की भेजी डिटेल्स विजन की समझ में आ गए। तभी विजन को पता चला कि अगर वो चाहे तो वांडा की रियलिटी में मौजूद चीजों और लोगों को टच करके उन्हें वांडा के कंट्रोल से छुड़ा सकता है। इसी एबिलिटी की मदद से विजन नॉम को वांडा की कैद से बाहर निकालता है। होश में आते ही नॉम ने इसे वेस्टव्यू की सारी सच्चाई बता दी कि कैसे यहाँ मौजूद सारे लोग वांडा के पपेट हैं। वो अपने असली जिंदगी को छोड़कर इधर वांडा वर्स के कैदी बन गए। विजन से नॉम का यह दर्द देखा नहीं गया और फिर वो उसकी भलाई के लिए उसे वापस वांडा के कंट्रोल में भेज देता है। लगता है वांडा को भी शक हो गया था कि विजन धीरे धीरे इसके कंट्रोल से छूटने लगा है, इसीलिए वो विजन का ध्यान भटकाने सैटरडे को मंडे बनाकर उसे काम पर भेजती है। बट ऑफिस जाकर तो उल्टा विजन और सेल्फ अवेयर हो गया। मोनिका 80 के दशक वाले ड्रोन को वेस्टव्यू में भेजकर वांडा से बात करने की कोशिश करती है।
नॉट सो सरप्राइजिंगली वांडा के लाइव टेलीकास्ट से वो ड्रोन गायब था। डॉक्टर डार्सी और जिमी का मानना है कि वांडा ने ही ब्रॉडकास्ट सिग्नल को सेंसर करके ड्रोन को मिटा दिया। अनफॉर्चुनेटली वीक सिग्नल की वजह से मोनिका की आवाज वांडा तक नहीं पहुंच पाती और अब वांडा इस ड्रोन को खतरे की तरह देखती है। वेल, इसमें खतरा था भी, क्योंकि सीक्रेटली हेवर्ड ने इस ड्रोन में मिसाइल छुपा दिया था। कहा था ना, बंदे में झोल है। प्रॉब्लम, हेवर्ड का मिशन बुरी तरह से फेल हो गया। बिग बिग प्रॉब्लम, उसका ड्रोन वापस लौटाने वांडा खुद वेस्टव्यू से बाहर आ गई। बाहर आते ही वांडा का कॉस्ट्यूम चेंज होकर एंडगेम वाले स्टाइल में बदल गया। फिर वांडा स्वॉर्ड को फुल एंड फाइनल वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। रिलैक्स बॉयज, वार्निंग काफी सिंपल थी, तुम मेरे घर आकर मुझे परेशान नहीं करोगे और बदले में मैं बाहर आकर तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। देख के लग रहा है कि वापस जाने पर वांडा ने वेस्टव्यू के शील्ड को और मजबूत बना दिया। काफी बैडएस सीन था ये। इस एपिसोड के एंड में हमने नाइजीरिया के लागोस सिटी का रेफरेंस देखा, वहीं जहां पर क्रॉसबोम के सुसाइड बॉम्ब से स्टीव रॉजर्स को बचाने के चक्कर में वांडा ने एक्सीडेंटली एक बिल्डिंग उड़ा दी थी। एक्सीडेंटली बिकॉज शी डिडंट मीन टू। लागोस, फॉर व्हेन यू मेक अ मेस यू डिडंट मीन टू। बहुत ज्यादा डार्क ह्यूमर हो रहा है मार्वल। इस एपिसोड में पोस्टमैन भैया भी वापस आ गया। सैडली एग्नेस के गार्डन में लगी जहरीली पत्तियां खाकर स्पार्की मर गया, काफी सस्पिशियस तरीके से। क्योंकि वो डॉग मेफिस्टो था। हाँ, मेफिस्टो का रेफरेंस नहीं छोड़ेंगे। पपी के गुजरने के बाद वांडा अपने बच्चों को समझाती है कि ग्रीफ हैंडल करना भी ह्यूमन नेचर का पार्ट है। तुम्हें कभी भी अपने फीलिंग से भागना नहीं चाहिए। जो गुजर गए उन्हें अपनी यादों में रखकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहना। अरे मम्मी जी, पहले खुद तो इन बातों पर अमल करो। बट बच्चे तो बच्चे हैं। वो दोनों जिद करने लग गए कि प्लीज अपनी पावर्स की मदद से स्पार्की को वापस जिंदा कर दो। इससे पहले कि कन्वर्सेशन और ऑकवर्ड बने, वहां पर विजन आकर अपने बच्चों को ठीक से समझाता है। स्पार्की को दफनाने के बाद विजन का कंट्रोल छूट गया और वो फाइनली वांडा से सारे सवाल पूछने लग गया। वेस्टव्यू के बाहर क्या है? इधर टॉमी और बिली के अलावा बाकी कोई और बच्चे क्यों नहीं दिखते? विजन को खुद अपने पास के बारे में कुछ भी याद नहीं। वो कौन है, कहां से आया है और वांडा को कैसे जानता है? हर बार की तरह ही इस बार भी रियलिटी के ब्रेक होते ही दरवाजे की घंटी बजती है। डिस्ट्रैक्शन, बट इस बार का सीन थोड़ा अलग है। विजन को वांडा पर जरा भी भरोसा नहीं। उसे लगा कि वांडा ने ही इसका ध्यान भटकाने दरवाजे की घंटी बजाई। बट वांडा ने इधर एक हिंट दे दिया कि वांडा को भी कोई आइडिया नहीं कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। वो तो बस इसे आगे कंटिन्यू कर रही है। जो भी है, इन्हें दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। दरवाजा खुलते ही वांडा और हम ऑडियंस दोनों को ही एक बड़ा सरप्राइज मिला। दरवाजे के बाहर पियत्रो खड़ा था। एवेंजर्स वाला पियत्रो नहीं, एक्समैन वाला क्विक सिल्वर। Yeah, baby, it's official. Mutants MCU का पार्ट बन गए। डॉक्टर डार्सी को लगता है कि शायद वांडा ने पियत्रो को रीकास्ट कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे MCU ने रूडी को रीकास्ट किया था। पियत्रो और वांडा एक दूसरे के गले मिलते हैं और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।